नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी में टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के क्लासेस सिखाए जाते हैं। और आप अगर हीलिंग अकेडमी आपके शहर में शुरू करना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी, उसके लिए भी आपको गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है तुला राशि के लिए। मून राशि रेफर करना है। हमारे जो डे टू डे गाइडेंस होती है वो मून राशि से आती है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है या आपका नाम आर से स्टार्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंजल बोर्ड से हम चेक करेंगे कि तुला राशि वाले अगर पार्टनर देख रहे हैं, क्योंकि आप एक सही पार्टनर के साथ, आपके सोलमेट के साथ हैं क्या, तो एंजल कार्ड, एंजल बोर्ड से पूछेंगे। यहाँ पर आया है 8, विच इज इट सेज यस। सो तुला राशि वाले अपने पार्टनर के साथ हैं, मीनिंग जिसे आप ढूंढ रहे हो आपके नजरों के सामने ही है। सिर्फ कुछ रेमेडीज करके आप अपने रिलेशनशिप को कमिट कर सकते हैं। तो हम वो चेक करेंगे टैरो से। किसी से आप मिलते हैं और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं, पर आपको पता नहीं चलता है कि आप इतना टाइम उनके साथ बैठे हैं, आपको बोर नहीं होता है। वो भी एक साइन है सोलमेट का, सही पार्टनर का। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम और ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर अपने पास्ट में ही बिजी लगे पड़े हैं और उनका जो रवैया है वो इमोशनल नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है। थोड़ा डाउटफुल नेचर है उनका और वो आपको क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। आप आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, बट वो आपके साथ फ्यूचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मीनिंग कहीं तो वो डाउटफुल है, उन्हें डर है कि फिर से उन्हें हर्ट होगा पहले के जैसा, कुछ पास्ट में हुआ है उनकी बैड एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाता है, तो उसकी वजह से वो फ्यूचर आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं। आप आपके पार्टनर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे वो हैं, वेरस वो आपको लाइक करते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, जैसे वो आपको टाइम नहीं देते हैं या आपके साथ फ्यूचर नहीं डिस्कस करते हैं, प्लस उनका जो नेचर है वो आपको थोड़ा कम समझ में आता है। आप कहीं तो उनकी नेगेटिविटीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो मैसेज सबकॉन्शियसली आपके पार्टनर को मिलता है और जिससे वो आपसे दूर जाते हैं। सो आपको आपके थॉट्स उनके लिए चेंज करना है, आपको उनकी पॉजिटिविटी को प्रेज करना है, इससे आपके पार्टनर आपके नजदीक आएंगे। और नेक्स्ट इज आपके पार्टनर के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और आप की तरफ से हमेशा कमिटमेंट फुलफिल होता है, उनके साइड से कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है। तो आपके पार्टनर को बेसिकली ही इज ये लोग सोचते बहुत, आपका जो पार्टनर है वो सोचते बहुत ज्यादा हैं, तो वो सोचने की वजह से उनका इमोशनल लाइफ खराब होता है। तो इनको आपको हर एक रीजन समझाना पड़ता है, हर एक पॉइंट आपको रीजन देके समझाना पड़ता है। सो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपने पार्टनर को विद दीज क्वालिटीज और आप हर एक चीज उन्हें एक्सप्लेन करने को रेडी होते हैं और उन्हें कमिटमेंट रखने के लिए अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो आपका रिलेशनशिप आगे जा सकता है। और लिब्रा राशि वाले हाईली इम्बैलेंस्ड होते हैं, आपको अपना लाइफ बैलेंस करने में बहुत ही दिक्कत जाती है, इसीलिए एक टफ पार्टनर आपके लाइफ में आता है ताकि आप बैलेंस करना सीखे अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्राइवेट लाइफ को। थैंक यू।